हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सब लोगों का स्वागत है कल की बात आज एपिसोड नंबर 150। इस एपिसोड में हम लोग एडवांस में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। चलिए, कल क्या, आज संडे है, कल मंडे को क्या लेवल्स में बाई करना है ये मैं आपको बता दूँ। ओनली थिंग फॉर द बाइंग ऑन डिप साइड। और हाँ गाइस, आप समझने की कोशिश करना, मैं आपसे इस एपिसोड को चालू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या दोबारा पूरे संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों का जवाब का वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कमेंट आए और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ 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 इमीडिएट बेसिस पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। येस और नो, पूरे संपूर्ण भारत में लॉकडाउन क्या दोबारा लगेगा या नहीं लगेगा? और अगर आपका इसमें सवाल जवाब आता है, कुछ इंक्वायरी आती है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको किस तरीके की रणनीति अपनानी है विद साइकोलॉजी, एंड किन स्टॉक्स को रडार पे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिस्ट मेरी तैयार है, ठीक है? चलिए, सो गाइस, निफ्टी फ्यूचर लास्ट क्लोज 14,893 जो फ्राइडे को हुआ था। क्रूशियल सपोर्ट 14,730, 14,670। यस, एनी डिक्लाइन ओनली थिंग फॉर द बाई विद स्टॉप लॉस, टाइटली स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 14,630 का। लक्ष्मण रेखा जो ऊपर का जोन रहेगा 1570, 15,147। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से क्रैश करेगा, जैसे पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो मार्केट ने कोरोना की वजह से क्रैश किया था, क्या आप लोग भी अलर्ट नहीं हो कि मार्केट वाकई में गिरेगा? आपको तो पहले ही पता है पिछली बार गिरा था, तो इस बार भी अगर गिरेगा तो क्या कर रहे हैं? पिछली बार जिन लोगों ने माल नहीं भर पाए थे, इस बार वो रेडी है कि नहीं है? पिछली बार सपोज करो कुछ लाख इन्वेस्टमेंट हुआ था, सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, क्या इस बार कुछ 3-4-5-10 गुना इन्वेस्ट नहीं होगा? क्योंकि एक बार जो चीज हमने रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किया था, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे और सोच रहे थे यार कोरोना हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गया, और अचानक से मार्केट ने पूरा रिकवर किया, क्या वो चीज आपके माइंड में दोबारा नहीं छपी हुई है? और अगर छपी हुई है तो क्या ऑपरेटर को आपका वो साइकोलॉजी नहीं पता? सोचो क्या होगा, बाई करना है या नहीं करना है, दिमाग लगाओ, मैं बताऊंगा, वेट एंड वॉच। ओके, अगेन साइकोलॉजी पे फोकस करो। स्ट्रैटेजी तो मैं सर आपको 10 से 12 फ्री में दे चुका हूं। स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागने का, स्कैनर के पीछे नहीं भागने का, अपना दिमाग को किस तरीके से सोचना है ऑपरेटर के हिसाब से, उस पे फोकस करो। एनीवे, कॉल इज योर्स। बैंक निफ्टी लास्ट क्लोज 32,615, लक्ष्मण रेखा 33,456। यस, वंस क्रॉस एंड स्टे अबव, इट विल जूम टू केस 34,370, 34,700 तक का आपको लेवल्स मिल सकता है। बिलो 32,870, 32,600 नो बाइंग। क्रूशियल सपोर्ट ओनली बाई लास्ट होप 32,200, 32,100 के आसपास आएगा, तो भैया यहां से एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक बाइंग आनी चाहिए। और हाँ, 32,000 के अगर नीचे जाता है तो भैया फिर हु विल सेव बैंक निफ्टी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट? इफ ब्रेक then will slide up to 31,860, 31,456। ध्यान से समझना, मेरा जो लास्ट होप है 32,200 का है, 100 रुपए का और नीचे का बफर दे रहा हूं कि चलो 32,100 तक का ले लो। अगर इसके नीचे गया तो मैंने आपको 31,680, 31,456 तक का लेवल्स दे दिया है, और ऊपर के भी लेवल्स 32,870, 32,600, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं समझ में आया, पेपर पेन लेके बैठो रात को, तसल्ली से अभी बंद कर दो, पॉज कर दो, सेव कर दो वीडियो को, रात को आराम से बैठ के पेपर में लेवल्स नोट कर लेना भाई, बहुत काम आने वाला है। और हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं, प्लीज़ अपने हाथ से खुद से लेवल्स नोट करो। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट निकालो, आवरली चार्ट, कौन सा आवरली चार्ट निकालो, और उस पर देखो क्या इस तरह के लेवल्स कुछ आप भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, सीखने का सोचो, बहुत सिंपल है सर, हम अपनी क्लास में आपको ये भी चीज़ सिखाते हैं, राइट? गाइस, कल रात को 9 बजे रेडी रहना हमारी क्लास के लिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 60% साइकोलॉजी काम करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी आपके ना गूज बम दिए तो आप मुझे बोलिएगा। ओपन चैलेंज गाइस, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना किसी किताब में, यूट्यूब में मिलेगा। अब मेरा देखी देखी बहुत सारे लोग अब स्कैनर स्ट्रैटेजी सब करने वाले हैं। अगेन, आई डोंट बिलीव इन स्ट्रैटेजी, आई बिलीव इन
योर साइकोलॉजी, आप किस तरीके से उस मैच में, उस पिच में, उस एनवायरमेंट में, उस अपोजिशन के अगेंस्ट में प्ले करते हो, दैट अप्स टू यू। वही इंडिया पाकिस्तान सिनेरियो अलग हो जाता है, वही किसी और के साथ खेलोगे इंडिया को तो सिनेरियो अलग होता है। सोचो प्रेशर, वही टीम दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलोगे, ये होती है ट्रेनिंग। आप कहते हो ना पैसा कैसे बनेगा, पैसा सिर्फ और सिर्फ सोच बदलने से बन जाएगा। सही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आप बहुत मेहनत करते हो। पैसा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उस मेहनत को कंसिस्टेंटली आप पकड़ के नहीं बैठ रहे हो, अपने सोच को चेंज नहीं कर रहे हो। सोच चेंज करोगे, स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच को चेंज करोगे पैसा बन जाएगा। दिस इज माई गारंटी टू यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से हाँ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा हो सके। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम जरूर 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 ज्वाइन कर ले और वहाँ पे हमें 10 दिन हमारा परफॉर्मेंस देखिए, क्या लेवल्स पे हम लोग इक्विटी लाइव मार्केट में बोलते हैं, हम लोग स्टॉक लाइव मार्केट में बताते हैं कि बाय करो सेल करो, खुद देखें, आपको मजा आएगा। जय हिंद, मिलता हूँ कल 9:15 पे। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।